बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वादा मुताबिक आपके साथ लाइव सेगमेंट में जनाब अगेंस्ट हाज़िर हूँ मैं, और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद ज़ुल्कारनैन, और हम आज आए हैं मेहमान बने हैं जनाब तासनी जट जापान वाले के शागिर्द अहमद गुजर साहब की जनाब शेखपुरा में परफॉर्मेंस जो कि नमाया रही। शेखपुरा के टूर्नामेंटों में इन्होंने माशाल्लाह अच्छे घंटे बनाए, और काफ़ी टूर्नामेंटों में इनके पहली पोजीशन, और काफ़ी टूर्नामेंटों में इनके जो है दूसरी, और इस तरह ये परसों को इनके एतवार को संडे उड़ा था, फिर उसमें भी इनकी पहली पोजीशन रही है। इंशाल्लाह आपको अभी लाइव शो करवाते हैं और अहमद भाई से गपशप करवाते हैं। जी अहमद भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? तो अहमद भाई माशाल्लाह आप किन की ज़रा सरपरस्ती शो कर रहे हैं? जी साहब, अच्छा उनसे पहले आपने इतनी पोजीशन कभी हासिल की थी? जी माशा, पहले मैं कभी नहीं की है। पहले कभी नहीं की उनकी सरपरस्ती में आके माशाल्लाह आपने शेखपुरा में काफ़ी नाम बनाया। जी बिल्कुल, ऐसी बात है जी, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है, उनकी गिरदी की है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। सही। और कितने टूर्नामेंट उस वक्त के जीत चुके हैं आप? तकरीबन जी हम 76 में शिगिर्द हुए थे। अच्छा, तो बैसाख के तीन त्योहार, अच्छा वो भी हम तकरीबन नंबरों में पहले दूसरे पे लगते रहे हैं, ठीक है। फिर जीएड की बाजी भी थी, दो घरों से बाजी थी, वो भी अलहमदिल्ला जीते हैं हम। यानी कि बाजी भी वो चैलेंज की बाजी थी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो पोस्ट मेरे से बनी थी और बाजी भी चैलेंज की थी वो। जी बिल्कुल, वो बाजी हम जीते थे, और उसके बाद टूर्नामेंटों में भी हमारी अच्छी पोजिशन थी। उसके बाद असू आ गया जी, असू में तो जो तीन रोजा टूर्नामेंट थे उन्होंने थी। अच्छा, तो एक घर से फिर बाजी थी, तो वो भी अलहमदिल्ला जीते हैं। तो उसके बाद ये एक तेज को प्यारा था, पाँच कबूतर का टीम का, तो वो भी अलहमदिल्ला। असु में आपने कितने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? असु में तकरीबन 10 से 11 थे। और जीते कितने? सबके साथ ही, सब में कोई ना कोई पोजीशन थी, कोई ना कोई जरूर थी, पहली पहली दूसरी तीसरी तक मतभेद। तो इधर जो शौक चल रहा है जी, इसमें आपके साथ ताउन कौन कौन करता है, यानी कि आपके साथ हेल्प कौन कौन करता है? जी हमारे भाई हैं जी, तो उसके बाद कुछ दोस्त हैं हमारे, बहुत दीन जो हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हैं। तो साहब सनी के बाद राणा सनी साहब हैं, ठीक है जी, तकरीबन उस्ताद के बाद हमें बहुत भी डील करते हैं, जो मतलब मसला ख्याल हो उनसे उससे बताते भी हमको। सही, शुक्र है जी। अच्छा अहमद भाई, उस्ताद जो है आपको गाइडनेस लाइन शुरू से सही दे रहे हैं? जी बिल्कुल सही दे रहे हैं जी, सही दे रहे हैं, तो ऐसा रिजल्ट है कि जेकर पता क्या आजकल अहमद भाई सिलसिला चल रहा है ना, कि वो शिगिर्द तो डाल लेते हैं उस्ताद, पर उनको पता नहीं होता हमने शिगिर्द को डाला है और कहाँ वो शिगिर्द कहाँ है, कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है? नहीं नहीं, अलहमदिल्ला ऐसी अभी तक कोई बात नहीं हुई है जी, जब भी पूछा और जो भी पूछा सही बताया, करेक्ट बताया, तो अलहमदिल्ला अच्छा रिजल्ट भी आया है। सही, सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपने कबूतरों का शौक करवाए हमें? जी मोटा जरूर जी। जी शौक करें जी, ये अहमद भाई के कबूतर हैं जो बाजी में उड़े हैं। ये जो है जी आखिरी इतवार 20 वाले को, ये आखिर में बैठी 6:04 पे बल्कि, ठीक है, 6:08 पे ये मादी बैठी है जी अहमद भाई की। ये तीन वाले और पांच वाले प्यारे में रोई है? तीन वाले में भी मतलब कि ये बता के ढाई हुई थी, ठीक है, और पांच में तो कह रहे पांच ही था, पांच थे, ठीक है, बेहतरीन है जी। यानी कि टोटल पांच कबूतरों का प्यारा था और तीन कबूतरों का भी का पता था, बिल्कुल ठीक है, तीन देने थे, ये तीनों में ड्यूटी हुई थी, ठीक है जी। 6:08 पे ये बैठी है, 6:08 में, 6:08 पे, माशाल्लाह जी क्या बात है जी। फार्मर सब दिखाएं श्यामल भाई, आप सबसे ज़्यादा कबूतरों के पैरों में क्या पसंद करते हैं, स्ट्रेट पर ज़्यादा पसंद करते हैं, गुलाई के पर ज़्यादा पसंद करते हैं? जी स्ट्रेट पर जो हमारे सबसे ज़्यादा फेवरेट पर हैं, जो स्ट्रेट परों के कबूतर ज़्यादा पसंद है आपको? जी तकरीबन अभी आपके सामने आएंगे जो हमारे पास जितने उड़े हुए कबूतर हैं सब स्ट्रेट पर हैं, ठीक है, पर देखें माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त है, जी
जबरदस्त। ये प्यारों में उड़े हुए कबूतर आप दोस्तों को शौक करवा रहे हैं और ये हमारी काविश है शौक को और बुलंदियों तक लेके जाने की। 2016 से स्टार्ट हुए यार, 2022 तक हम माशाल्लाह आप दोस्तों को शौक करवा रहे हैं शेखुपुरा की तमाम तर पार्टीज की छतों का, और जितना भी टूर्नामेंट्स में भी छतें में पार्टिसिपेट करती हैं उनका भी शौक आप दोस्तों को लेके जो है ना मुकम्मल शौक करवाते चले आ रहे हैं। तो आप दोस्तों से भी यही गुजारिश हमेशा हमारी रही है कि यार हमारे साथ तावन करें, हमारे पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि शौक तमाम दोस्तों तक पहुँचाया जा सके जो बरून मुल्क में है या अंदरून मुल्क में रहने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं वो शायकीन हमारा शौक देखें, शेखुपुरा के शौक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें हमारे साथ सपोर्ट करके। तो ये कबूतर शेखुपुरा के जो असवज के लास्ट टूर्नामेंट से उनमें ये उड़े हैं इस इतवार को, ठीक है, ये कबूतर उड़े हैं इनके और बड़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस रही है टूर्नामेंट्स में माशाल्लाह, बड़ी अच्छी एवरेज इनकी रही है। जो ये 3 और 5 वाले में पहली पोजीशन आपकी है जी, बिल्कुल जी। कितनी एवरेज बनी थी टोटल आपकी? 52 घंटे 41 मिनट, ठीक, 5 कबूतरों के साथ बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। देखिए 5वां 4वां तीसरा दूसरा पहला ऐसे दिखाना है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। जी माशाल्लाह स्टेट पर ही हैं ईशा जी, देखें बड़े अच्छे अहमद भाई ने बताया कि स्टेट पर के कबूतर हमें पसंद है, हमारे उस्ताद को भी, उस्ताद सनी जट जापान वाले को, और हमें कबूतर जो स्टेट पर के पसंद है, जबरदस्त, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों हम बताते चले, मैं और मुल्क से ज़्यादा आ रहे थे ना, सफ़र कर रहे थे रस्ते में और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यार जो इस एरिए से आ रहे हैं तो शहर वाले मुकाबला कोई नहीं है, जिम्मे कली जाते और बड़ा जो उनकी छत का जो लोकेशन है ना बड़ा बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, हमें बड़ी पसंद आई लोकेशन। और फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात है इनकी छत के ऊपर, वैसे तो साथ सनी की छत के ऊपर इनसे मुलाकात होती रहती है तो, लेकिन ये कि अब जो इनकी छत के ऊपर मुलाकात हुई है बहुत मज़ा है जान दो रहना। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इसके रिंग भी चेक करें, क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत अच्छी गुट है। ये 557 पे, हाँ जी, ये तीन वादियाँ जो मतलब कभी 3 बार में बता के डाई हुई थी, तो ये तीन वो वादियाँ थी, ये दो जो पहले दिखाई हैं। ठीक है, अच्छा असल में भी यही कबूतर उड़े हैं जी, ये दोस्तों बताते चले पहले वाले प्यारों में, असू वाले प्यारों में भी यही कबूतर उड़े हैं अहमद भाई के, जो प्यारों में ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं जिन शहर के शेखपुरा के टूर्नामेंट्स में। 3 प्रवादों में हमारा एक कबूतर बस कम हुआ था, तो बाकी हमारे पास अभी जो कबूतर ठीक है, आखिरी प्रवाद में वो कबूतर आ रहा है, उस बाद नहीं आया। सही, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये 5:52 पे बैठा है, 5:52 वाला 5:52 बैठा जी अहमद भाई का कबूतर, जरा संडे गुजर गया, क्या बात है, मगर दी गल है क्या जोड़ा लगा तू, साडे को 2 पट्ठे भी चंगे उड़ देते हैं इन्हें, माशाल्लाह इना थली पलाए ने के किसी और थले पलाए थले मतलब के ते जरा के उड़े फेर ले, ठीक है, लोगो बच्चे भी इना दे उड़दे चंगे उड़दे, क्या बात, क्या बात, आप भी उड़दे ते ठीक है। हाँ देखो जी माशाल्लाह स्ट्रेट पर एक तीली तक कबूतर ना माशाल्लाह, क्या बात, ज़बरदस्त हो गया जी। दोस्तों स्टैंप भी चेक कर लें, ये स्टैंप भी लगी हुई है कबूतरों को, ठीक है, दुमों वाली फिर बाद में कबूतर आने में परेशानी होती है, बिल्कुल ठीक। ज़्यादा आप तो परों में लगाते हैं कबूतरों का, पर खींच देते हैं बाजी के बाद या काट देते हैं, कंधों पे लगवाते हैं ना वो, ये अगर पकड़ने से खत्म हो जाए जी। गोल्डन कबूतर शो शो करें जी जरा माशाल्लाह, ये भी 5 वाले 11 में था, ठीक है, 11 मिनट पे ये बैठा था, 6:11 पे, एक बज के ग्यारह मिनट, ठीक है। और इसकी पहली प्रवादा कितनी रही है अहमद भाई? ये मुल साहब ना जो पहले टूर्नामेंट ना 300 जो थे उनमें
पहले दिन ये 4.5 बैठा था। अच्छा, तो अगली प्रवाह में 2 सेंटीमीटर थे, तो तीसरी प्रवाह ये फिर 4 के बाद बैठा। ये मतलब कि ना दूसरे में था नागन दिया था, डराया था, केला छोड़ा था, मगर फिर भी ये सफाई कर गया था। एक पर भी काम है मेरा ख्याल। हाँ जी, बाहर वाला के सेंटर में ये नामा नामा पर एक नहीं है। ठीक है, सही हो गया। ये ताली साइड से काम था, ये अब पूरा कर दिया, इधर से काम हो गया। तकरीबन ये जी हमारा सबसे पुराना कबूतर है, बेस्ट कबूतर ये है। सबसे पुराना कबूतर 17 से ये हमारे पास कबूतर है, और 2017 से उड़ता चला है, उड़ता चला आ रहा है। बड़ी बात है, ये जी F16 कबूतर है। लो जी F16, ये स्टार के घर का है जी, स्टार सनी जट जापान वाले के घर का जी। हां जी जी, ये शौक करें जी, स्टार सनी जट जापान वाले के घर का। ठीक है जी, कबूतरों की दोस्तों हालत देख सकते हैं, ये कितनी बाजियों में डल चुके हैं, क्योंकि ये जब आपको भी पता है कि कबूतर को पकड़ के तैयारी करनी होती है, तैयारी करनी होती है, तो उनके ये शोल्डर और पार, ये सूज में भी उड़ चुके हैं कबूतर। ठीक है, ये जी F16 स्टार सनी वाला। ये कौन सा जी? ये बोला कि दोस्त है जी, एक जो उनके घर का है जी। ठीक है, ठीक है जी। तो जो मतलब के पहले दिन का टूर्नामेंट थे ना, तीनों दिनों में उड़ा है ये, आखिर में 6:12 पे बैठा तीसरी प्रवाज। अच्छा। पहली प्रवाज भी ये तकरीबन 5:00 कुछ मिनट पे बैठा था, तीसरी प्रवाज 3:37 पे बैठा था, दूसरी और तीसरी पर 6:12 पे बैठा। बड़ी बात है, यानी कि रोज की प्रवाज की अच्छी रही, बेहतरीन। ठीक होगा मतलब, कुछ दोस्त कहते हैं पंजों का भी शो करवाया करे साथ, इसलिए पंजे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, मत सर। ये जी एक और बड़ा खूबसूरत सा परिंदा है जी, इसका शौक है ये जो डेरा कबूतर और जो मादी ने दिखाई थी, अच्छा ये उनका ये पठाई है। ठीक है, जुड़ते भी हैं और उनका ये जबरदस्त बड़ा अच्छा कलर का है, बस डेरा कबूतर डैडी मादी। ठीक है जी, ये अहमद भाई के घर का पट्टा है जी, जबरदस्त। इसका माँ बाप भी उड़ रहा है बाजी में, और ये खुद भी उड़ रहा है, खुद भी उड़ रहा है, क्या बात है जी। ठीक है जी, जबरदस्त। इसका दूसरा भाई है, उसी जोड़े का पट्टा, ये उसी जोड़े का पट्टा जी, क्या बात है। अच्छा अहमद भाई, इसकी क्या प्रवाह है? ये मर साहब ना हमारे पास तकरीबन 2-3 बजे तक उड़ा था। अच्छा, हमने बाद में इसको डाला। ठीक है, तो प्रवाह है उसकी बहुत अच्छी थी। ठीक हो गया, जी दोस्तों शो करवा रहे हैं आपको हम, जो शेखपुरा में चैंपियन कबूतर हुए हैं शेखपुरा के टूर्नामेंटों में, अहमद भाई के स्तानी जट जापान वाले की सरपरस्ती में। और ये इनके छत के मनाजर हैं जी, जो आप दोस्तों को पीछे से दिखा रहे हैं, छत 11/12 जापान ग्रुप सरिंग जट जापान वाले। ठीक है जी, और ये इनके छत के मनाजर भी आप दोस्तों को दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी छत का थोड़ा सा सेटअप चेंज कर रहे हैं, अगर इंशाल्लाह ताला वो छत का फताह वगैरह भी मुकम्मल जो आप दोस्तों को अपडेट मिलेगी हमारे इन दोनों चैनल्स पे,
और मुकम्मल तरीके से आप दोस्तों का अपडेट भी देंगे। नहीं जी शौक करें जी, अहमद भाई बताएं इसके बारे में कबूतर के। ये जी मकसद साहब कहना नंबर कबूतर है मतलब। अच्छा तो ये भी अच्छा उड़ता रहा है, तो परवाज भी इसकी बहुत अच्छी थी। ज़्यादा कबूतर तैयारी में, मगर बाजी में नहीं डाला। हाँ जी परवाज अच्छी रही इसकी, बहुत अच्छा उड़ता रहा हमारे पास। माशाल्लाह कलर प्यारा बना हुआ, क्या बात। ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से हम भाई मोतियों वाले जोंसरे कबूतर हमारे फेवरेट कबूतर है, क्या बात। ये अहमद भाई आपके फेवरेट नहीं, आपके उस्ताद के भी ऐसे कबूतर फेवरेट है, क्योंकि जितने भी कबूतर उनके शौक देख किया मैंने, उनसे भी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई, गपशप हुई। मैंने कहा लोग टैडी शहरी गोल्डन गोल्डन पसंद करते हैं, मगर सनी भाई आपके कबूतर मैं देखता हूँ तो बड़े सादा से कबूतर हैं। कहते जो ये मज़ा देते हैं ना, यहाँ पे जाके ये काम करते हैं, वहाँ जाके दूसरे कबूतर काम नहीं करते। ये तो शुरू हो गया। हालांकि लोग पसंद जो ज्यादा करते हैं ना, वो टैडी कबूतर गोल्डन कबूतर आगे पूछा, या तेरे खुदे ही टैडी है ना, किन्ने के टैडी ने। तो मैं कहता हूँ जो इनका रिजल्ट है ना, वो किसी का भी नहीं, वो किसी का भी नहीं है। बाकी टैडियों को अपनी जगह पे वो भी कम नहीं है, बाकी है इनका, वो कारगर्दगी नहीं है उनकी। इनका जो रिजल्ट है ये गर्मी में भी वापसी, और अच्छू हो चाहे दिन लगे हो, इनकी वापसी जो है ना मुकम्मल है, मुकम्मल है। ठीक है ये जी अब चेक करें, माशाल्लाह क्या बात। इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? ठीक है तो इस बार भी चलते हैं, इसकी बहुत अच्छी थी उधर बाद में डाली है। ठीक है तैयारी में थी पर दिखा अम्बल साहब जी। दोस्तों माशाल्लाह जो खूबसूरत परिंदे पसंद करते हैं वो देखें, ये खूबसूरत भी है और प्रवादी भी है, क्या बात है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है जी ये जी पंजे चेक करें इसके। ठीक है जी ये भी जी एक प्रवादी परिंदा है जिनका, ये टोटली जो प्रवादी कबूतर आ रहे हैं जी, ये इनके पिछली बाजियों में मैवे परवाज रहे हैं, आपकी बाजियों में मैवे परवाज रहे हैं, तैयारियों में आते रहे हैं, कईयों की बारी आई है, कईयों की बाजियां नहीं है। ये जो है ना वो नहीं होंगे तो तकरीबन ये ज्यादा जेठ में भी सब उड़े ही होंगे, जेठ में भी उड़े हैं, काफी देर से पुराने कबूतर है हमारे पास। ठीक है कुछ चांदी कबूतर नहीं होंगे, ज्यादा कबूतर है पुराने। ठीक है ठीक है जबरदस्त ठीक है जी माशाल्लाह बहुत खूब है। ये हमारे पास बहुत अच्छा उड़ा है मतलब साहब जी, शाम शाम तक भी बैठा है जी। अच्छा ठीक है और जी कुंवर जौंसरा आ गया है, माशाल्लाह ठीक होगा मत साहब। दो रह गया पीछे, लो जी जबरदस्त मार मादी है जी, क्या बात है। ठीक है जी अच्छा अहमद भाई इसकी क्या कर दी रही उड़ती रही है, चंगी उड़ी साढ़े
ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲੀ ਬਾਜੀ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 21-22 ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ क्या बात है जबरदस्त ओके ना जी पंजों का भी शो करें ठीक है जी ये इसका पूरा कलर है ठीक है जी माशाल्लाह जी पर देखें इसका लाजवाब पर है ठीक है जी जी दोस्तों अहमद भाई के पास कबूतर तो बहुत ज़्यादा है बाकी हम शौक उन कबूतरों का करवा रहे हैं जो इनके परवाज में लगे हुए कबूतर हैं इस टाइम माशाल्लाह जी बहुत ही लाजवाब है जी ठीक होगा मशा ये देखें माशाल्लाह क्या बात है ठीक है अहमद भाई अब जो इतवार मेरे ख्याल में अगला फिर उड़ रहा है जी मनसा उड़ तो रहा मगर हम जरा थोड़े मसरूफ हैं अब अच्छा हाँ जी मुझे इसमें जो आप उड़ रहा है उसमें नहीं आप हिस्सा ले रहे मुश्किल ये है क्योंकि टाइम ही नहीं है आपको क्योंकि साहब की नज़र आपकी छत पर ही है ये अहमद भाई के कबूतर रात को भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी अहमद भाई के कबूतर जिस तरह के बने हुए हैं शुरू से उड़ते आ रहे हैं अगर अहमद भाई उड़े तो वो किसी को कोई चीज़ नहीं देंगे रात को भी बात हो रही थी मगर आप कह रहे हैं जनाब हम टूर्नामेंट में नहीं उड़ रहे मेरे को काम पहले जी बाकी तो मामला फिर आगे भी चलते रहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो गए ठीक हो गए बिल्कुल ठीक है मगर दे नहीं है इनके पक्का प्रोग्राम नहीं हाँ जी डाई नहीं होते हैं तो बाद में तो बाहर डाल के लिखे कबूतर तैयार है जो मर्जी करके डाल दें अच्छा ये जो कबूतर आपने दिखाए हैं ये बरसात से लेके तो अब तक ये सारे मैवे परवाद रहे हैं बिल्कुल इनमें कुछ चांदी जो मगर दो तीन पट्टियाँ पट्टियाँ ना वही नए ऐड की हैं बाकी तकरीबन ज़्यादा पुराने ही हैं बाकी सारे पुराने पुराने ही तो आप बता रहे थे माशाल्लाह कि सेटअप भी चेंज कर रहे हैं अब हाँ जी हाँ जी तो कब तक का प्रोग्राम है कि सेटअप ये दोबारा यानी कि रीन्यू करना आपने इंशाल्लाह बरसात में जो है ना वो इंशाल्लाह हमारा सेटअप नया ही होगा नए सेटअप पे शौक होगा इंशाल्लाह जी ठीक हो गया चलिए आप कुछ पूछना चाहें अहमद भाई से तो नहीं सर बहुत मेहरबानी नहीं जी अहमद भाई की तरफ शौक किया माशाल्लाह इनके वो कबूतर दिखाए हैं जो परवाज़ में लगे कबूतर इनके पास बहुत ज़्यादा है मगर
कबूतर वो दिखाए हैं जो इनके बाजियों में बैसाख से लेके अब तक, इस दफ़ा का बैसाख जो आपने देखा, वो बैसाख जो है वो हर उस्ताद के लिए एक इम्तहान था, वो भी कड़ा, यानी कि बहुत सख्त था हर उस्ताद के कबूतर। मैं कहता हूँ कि कबूतरों ने संभलने की इजाज़त ही नहीं दी, जाल पे बैठे हैं तो जाल पे बैठे बैठे मर गए, इतना टाइम ही नहीं दिया। इस तरह का बैसाख लगा था, जेठ लगा था, फिर जब ख़त्म होने पे आया तो जनाब फिर जाके कुछ संभला, कबूतरों ने होश की तो कबूतर भी बड़े बड़े ज़ाया हुए। माशाल्लाह अहमद भाई के वही कबूतर चलते आ रहे हैं, वही कबूतर चलते आ रहे हैं, और असू में भी वही कबूतर उड़े हैं, बैसाख में भी वही कबूतर उड़े हैं, जेठ में भी वही कबूतर उड़े हैं, और तमाम टूर्नामेंट ये जीतते रहे हैं। माशाल्लाह जी अहमद भाई को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आइंदा के लिए भी, और इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।